দেখে নেব ঢাকার কিং সিনেমাটির ডায়লগ। নো টেনশন, লাইফ ইজ এ গেম অফ কম্পিটিশন। এই সিনেমাতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান, অপু বিশ্বাস আর মিশা সওদাগর। নাম্বার টু তে দেখে নেব নাম্বার ওয়ান শাকিব খান সিনেমাটির ডায়লগ। গড ইজ ওয়ান, লাইফ ইজ ওয়ান, এন্ড আই অ্যাম নাম্বার ওয়ান শাকিব খান। এই সিনেমাতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান, অপু বিশ্বাস আর মিশা সওদাগর। নাম্বার থ্রি তে দেখে নেব বস গিরি সিনেমাটির ডায়লগ। মাস্তানের উপর মাস্তানি করতে চাই বস, গুন্ডার উপর গুন্ডামি করতে চাই বস, রংবাজের উপর রংবাজি করতে চাই বস, কিন্তু বসের বসগিরি করতে গুন্ডা মাস্তান রংবাজ কিছুই লাগে না। বসের সাথে পাঙ্গা আর চমের সাথে পাঞ্জা, সেম টু সেম। এই সিনেমাতে অভিনয় করছেন শাকিব খান, বুবলি আর অমিত হাসান। নাম্বার ফোরে দেখে নেব মাই নেম ইজ খান সিনেমাটির ডায়লগ। হোয়ার ইউ ম্যান, গড গিভ মি পাওয়ার, I am only one. My name is Khan. এই সিনেমাতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান, অপু বিশ্বাস আর মিশা সওদাগর। নাম্বার ফাইভে দেখে নেব রাজাবাবু দ্য পাওয়ার সিনেমাটির ডায়লগ। রাজাবাবু, বিকজ নো কমিটমেন্ট, নো অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অনলি পানিশমেন্ট, ওকে। এই সিনেমাতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান, ববি, মিশা সওদাগর আর অপু বিশ্বাস। ইয়েস, আজ থেকে খোদা ছাড়া কোনো শক্তির কাছে হব না কাবু, তাই আমি রাজা বাবু। নাম্বার 6 এ দেখে নেব লাভ ম্যারেজ সিনেমাটির ডায়লগ। হাই জানেমান, সরি লেট হয়ে গেল, আমি জানতাম তুমি সালা না এসে পারবাই না। তুমি জানলে কি করে আমার জিগায়? আরে দিলের একটা টান আছে না, ভালোবাসার একটা পাওয়ার আছে না। এই সিনেমাতে অভিনয় করছেন শাকিব খান, অপু বিশ্বাস আর মিশা সওদাগর। নাম্বার 7 এ দেখে নেব হিরো দা সুপারস্টার সিনেমাটির ডায়লগ। লিসেন ডেভিড ডলার, উইদাউট গড এনি পাওয়ার আই ডোন্ট কেয়ার, আই অ্যাম হিরো, দা সুপারস্টার হিরো। এই সিনেমাতে অভিনয় করছেন শাকিব খান, ববি, অপু বিশ্বাস আর মিশা সওদাগর। আর নাম্বার 8 এ দেখে নেব টপ হিরো সিনেমাটির ডায়লগ। মারবো একদিন, ব্যথা থাকবে 365 দিন, যদি আমার কথা মতো কাজ না করিস হিরো। भाई स्टार्टिंग के जो हमने क्लिप्स कुछ देखे ना, जो थोड़े उनकी पुरानी फिल्में थी, उसमें जो है ना, मैं अगर सही बताऊं तो मुझे एक पाकिस्तानी मूवीज वाला जो एक इम्पैक्ट है ना, वो जो है वो नजर आया। क्योंकि हम जब पुरानी पाकिस्तानी मूवीज जो पंजाबी टाइप बनती रही हैं वो देखे ना, तो उसमें आपको इस तरह के जो है ना वो म्यूजिक और क्या नाम लेते हैं वो आपको नजर। लेकिन बाद में जो थोड़ी मूवीज है उनमें थोड़ा सा जो वो चेंज नजर आया है मुझे तो। नो डाउट पाकिस्तानी स्टाइल और साथ में मुझे साउथ इंडियन स्टाइल, इसलिए क्योंकि वो जो यू नो हाथों की मूवमेंट और ग्लासेस लगाने ये वो इस तरह के ऊपर जो साउंड और जो एक एक्शन है ना उसमें उस तरह का एक मैं कहूंगी कि फ्लेवर नजर आता है। और बाकी डायलॉग्स जो इंग्लिश में बोले गए थे वो तो डेफिनेटली आपको समझ आते हैं, जो बांग्ला में थे वो वाले तो हम लोगों को डेफिनेटली समझ नहीं आ रहे थे। बट मुझे ये लग रहा है कि उनकी हर मूवी में कोई एक ऐसा आइकॉनिक आप कह लो डायलॉग रहा है, क्योंकि अक्सर हम लोग जैसे देखते हैं
बड़े बड़े स्टार्स की जो मूवीज होती हैं उनमें उनका कोई स्टाइल, कोई डांस मूव या कोई एक्शन इस तरह का होता है जो लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, देखिए भाई सुपरस्टार्स को लोग बहुत ज्यादा जो है वो कॉपी भी करते हैं, उनके जो डांस मूव्स होते हैं उस पर जो है आपको रील्स भी जो है वो बनती हुई जो है वो दिखाई देती हैं, तो ये चीज़ मैं आपकी बिल्कुल जो है एग्री करूँगा। अच्छा वैसे जो है एक चीज़ है कि जितने हमने भी डायलॉग्स देखे हैं उनमें उनके जो को स्टार्स हैं वो तकरीबन आपको सेम जो है वो सारे जो देखने को मिले हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अब मैं बोलूँगी, अब जो हम लोगों ने तूफान का टीजर देखा और साथ में सॉन्ग देखा तो आपको बहुत एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है, चाहे वो पिक्चराइजेशन हो, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो। एंड ओवर द इयर्स मैं कहूँगी कि शाकिब खान सर में बहुत ज़्यादा आपको एक चेंज नज़र आया, लाइक अभी भी मैं कहूँगी कि वो बल्कि और ज्यादा मुझे लग रहा है यंग दिख रहे हैं। और जो है ना वो जो गाना था बेबी जान, ठीक है ना, उसमें भी वो काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंट आपको जो है। I think बेबी जान में भी ना एक एक्ट्रेस जो इसमें हम लोग को नजर आई है ना वो उसमें थी एक्ट्रेस शायद, मुझे लग रहा है इनमें नहीं है। लेकिन यार एक चीज है जो हम अक्सर इधर जो है ना वो बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री है तो यहाँ पे फिल्में जो बनती है उसमें जो है ना एक्ट्रेस जो है वो जब एक्ट करते हैं ना उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, लेकिन वही सेम एक्ट्रेसेस या एक्टर जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनका एक स्टाइल आपको डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है, शायद मेकिंग में जो है वो आपको डिफरेंट पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन में आपको जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। ऑब्वियसली डायरेक्टर जो है वो जिस तरह की मूवी बनाना चाहता है, जिस तरह की एक्टिंग करवाना चाहता है, उसका खुद कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट खैर ओवरऑल मैं कहूँगी कि हम लोगों को बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हम और भी लोगों के बारे में जानना चाहेंगे जो बांग्लादेश की इंडस्ट्री है उसमें हिट्स जो है, और कौन कौन से फेमस एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि बॉलीवुड का जो है या साउथ की इंडस्ट्री की अगर बात करें उसका तो हमें जो है ना पता है। जो अब जैसे हम बांग्लादेश की या बंगाल की जो रीजनल लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री इसका हमें इतना आइडिया नहीं है, हाँ हम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें जो इंडिया की उसका भी हमें अच्छा खासा आइडिया है। बिल्कुल, सो कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा इनमें से कौन से फेवरेट डायलॉग हैं आपके। और इसी के साथ हमें जवाब हमारे वीडियो को चैनल करें, वीडियो चैनल की पसंद प्रेस करें। बाय।